Hi everyone, welcome back to European Sing and welcome to Norway. Yes, तो अराउंड दो घंटे पहले मैं अभी नॉर्वे में आया हूँ और यहाँ की एक सिटी है द्रामेन सिटी में यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम रुका हूँ और मैं इस टाउन तक कैसे पहुँचा और ये टाउन इतना अच्छा है, इतना ब्यूटीफुल है, आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे इधर एक चर्च है राइट इन दिस साइड यस और पीछे माउंटेंस है और इधर मैं दिखाता हूँ आपको अपने मेरे पीछे भी माउंटेंस है और जो लोगों के घर है ना इतने ज़्यादा सुंदर घर है, इतने ज़्यादा सुंदर एंड पीपल आर रियली फिल्दी रिच हेयर. वी कांट कंपेयर विद पोलैंड, मीन्स के पोलैंड इसके सामने कुछ भी नहीं है. आप जब एक बार नॉर्वे आके देखोगे ना, ओए इट्स वेरी क्लीन, वेरी वेरी क्लीन एंड पीपल आर सो डिसिप्लिन. और जो मैंने टाउन अभी ये देखा है ना, ओहो इतना अच्छा टाउन है. मैं आपको टाउन दिखाऊंगा और आप देख करके हैरान हो जाओगे कि कैसा टाउन है. ओके सो बने रहना इस वीडियो में मेरे साथ और नॉर्वे के इस छोटे से टाउन को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, बारीकी से. और स्टोरी बताऊंगा क्या हुआ था जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था. तब एक्चुअली आई वॉज ट्राइंग टू डू हिच हाइकिंग, यस द फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मैंने हिच हाइकिंग ट्राई की करने की, बट नॉर्वे के लोगों ने गाड़ी नहीं रोकी. मैंने 3-4 गाड़ियों को ट्राई किया कि मैं लिफ्ट लेके जा सकूँ. मैं एटलीस्ट इट्स लाइक एक्सपीरियंसिंग अ न्यू थिंग फॉर मी, कि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि एक्चुअली मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. बट जो मैंने पहले भी सुना था कि नॉर्वे के जो लोग हैं वो दूसरे लोगों के साथ कम बात करते हैं, तो एक्चुअली इट इज़ तो वो कम बात करते हैं. बट फिर क्या हुआ, मैं चलते चलते स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ. फिर मैं ऐसे वॉक कर रहा था रोड के साइड पे, तो एक बंदा आया पीछे से गाड़ी से, तो उसने मेरे पास ही आकर के गाड़ी रोक ली. उसने मेरे पास आके गाड़ी रोकी और बोला कि हे कम ऑन इनसाइड. तो उसने मेरे को अंदर बुलाया, तो आई सेड आई वॉन्ट टू गो दिस टाउन. ही सेड डोंट वरी यू कम इनसाइड. एंड द फर्स्ट थिंग दैट ही सेड मी इज that are you a Sikh? I said yes, I am a Sikh. So he said I saw your turban and I saw you that you looked like a Sikh and that's why I stopped my car and wherever you want to I can take you. So usne mere ko around 70 kilometers airport se 70 kilometers usne mere ko chhod diya yahan pe ek town mein jiska naam hai Dramen. To Dramen ये बहुत ब्यूटीफुल टाउन है. अगर आप नॉर्वे आओ तो इसको ज़रूर देखना और इस वीडियो में तो मैं आपको दिखाई दूंगा वैसे. एंड फिर उसने मेरे को फूड भी दिया. उसने मेरे को एक कैन दिया, आई थिंक एक ड्रिंक थी उसमें, और उसके साथ साथ उसने मेरे को खाने के लिए कुछ दिया. स्टिल इज इन माई बैग एंड मेरे को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी उस टाइम पे. फिर उसके बाद उसने मेरे को ड्रॉप किया और हाँ एक्चुअली उसने मेरे को ट्रेन स्टेशन के ऊपर ड्रॉप किया जा करके. ट्रेन स्टेशन के ऊपर कह रहा है कि यहाँ से तुम ट्रेन लेकर के ओस्लो जा सकते हो. तो ओस्लो अभी मेरे से यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर्स है. बट ये जो चीज़ मैंने देखी है ना पीछे अपने, ये देख करके मेरे से रहा नहीं गया. मैं क्या, ये तो मैं यहाँ पर एक शूट तो करूँगा और ये टाउन तो देखना बनता है, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, टेम्परेचर इज़ 9 degrees Celsius, इज वेरी कोल्ड. इन पोलैंड इट वॉज 26 degrees Celsius, बट हेयर इट्स 9 degrees Celsius. एंड देखो सनशाइन है बट स्टिल वेरी कोल्ड. जस्ट लुक एट दिस चर्च, ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बना हुआ है और अभी 12 बजे का टाइम था और यहाँ पे कंटिन्यूसली रिंग चल रही थी और लोग प्रेयर कर रहे थे
और उस प्रेयर के बाद सारे लोग चले गए। और इसके नीचे देखो आप इस तरफ कि कितना नीचे है ये, इधर इस साइड पे पूरे घर हैं और इस साइड पे देखो, इस साइड पे सामने कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, वहाँ पे एक रिवर है सामने, इधर एक रिवर है और इस वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इधर भी इस तरफ घर है और ये ऐसी ढलान सी है यहाँ पे, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इधर से फिर ऐसे गाड़ी जाती है यहाँ से और ऐसे पीछे चर्च के पीछे से ऐसे घूम करके वापस आती है इधर से। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर के यहाँ के लोग बहुत रिच हैं, यहाँ पे रेंज रोवर भी मिलेगी आपको, रेंज रोवर भी, बट वो इलेक्ट्रिक होगी। इसके पीछे भी जो गाड़ी खड़ी है वो भी इलेक्ट्रिक है, दैट इज़ शिबारू आई थिंक, इस आई डोंट नो द ब्रांड और बट दिस इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिक। इनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला था कि हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही यहाँ पे अलाउ करेंगे 2024, बट ये थोड़ा डिले हो गया था, बट स्टिल यस दिस इज़ शिबारू, शिबारू इज़ द ब्रांड, यस लुक। सो या तो इसलिए ये सिटी इतनी क्लीन, सिटी क्या पूरी कंट्री क्लीन एंड ग्रीन है जस्ट बिकॉज पोल्यूशन ही नहीं है यहाँ पे। यू कैन गेट द क्लीनेस्ट एयर एवर। जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ दैट चर्च, लुक दैट्स अमेजिंग राइट, सुपर। आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव सीन सच काइंड ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड, दैट्स सो पीसफुल, सो सरीन, सो अमेजिंग, दैट्स एब्सोल्यूटली अनरियलिस्टिक। और अभी मैं आपको चलते चलते ये वाले जो घर है ना यहाँ पे लेके चलता हूँ। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल होम्स एंड वहाँ पे ना रेड कलर के लीफ हैं वो बहुत अच्छे हैं, देखो कितना अच्छा है, हाउ अमेजिंग इट इज़, लुक ऑल द वे। पीछे जो एक व्यू आ रहा है इस चीज़ का, यहाँ पे सारे हिल्स हैं ये चीज़ जो है, और फिर यहाँ पे नीचे बहुत गहरा है जहाँ पे रिवर है और रोड्स हैं और इधर चर्च है और इधर ये, हाउ दे मेंटेन अ लेवल ऑफ यू नो एक्यूरेसी, और जिस तरीके से इन्होंने मेंटेन करके रखा है ना अपनी कंट्री को, दैट इज़ मेकिंग दिस कंट्री नंबर वन इन द वर्ल्ड, नंबर वन, यही चीज़ बनाती है। और लुक एट दिस होम्स, बहुत पुराने घर हैं बट फिर भी जो इनकी मेंटेनेंस है, लेवल ऑफ मेंटेनेंस, दैट्स इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। लेट मी शो यू, आगे चल के थोड़ा सा और वो आएगा, वो फ्लावर्स आएंगे रेड वाले, रेड है, मैरून है, मैरून कलर के फ्लावर्स हैं। लुक एट दिस होम, विंटेज एंड बहुत ही अच्छी एक लुक देते हैं। और लेट मी जस्ट गो इन टू दिस स्ट्रीट एंड लेट्स चेक दैट आउट हाउ इट लुक्स लाइक, देखते हैं कि ये आ गया। मैं बहुत दूर से देख रहा था, मैं वापस जा रहा था एक्चुअली, बट जब मैंने ये फ्लावर्स देखे हैं ना, ये जो पत्ती है ये जब देखी है, मैं वापस आया हूँ इनको देखने के लिए। और ऊपर नॉर्वे का फ्लैग,
and look at this. Oh, that's super super. और घर को भी उन्होंने वो रेड कलर का पेंट किया हुआ है साइड पे. लुक एट दिस होम, लुक एट दिस होम, दिस इज हेवन ऑन अर्थ विदाउट अ डाउट, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट. दिस इज द हेवन ऑन अर्थ. लुक एट दिस. और ये कितनी छोटी सी गली है और कच्ची है, ऊपर को जाती है. आई वांट टू गो देयर बट लुक एट. और सन भी बहुत आज शाइन कर रहा है, स्टिल इट्स कोल्ड. एंड लेट मी गो इनसाइड दैट, मे बी कुछ हो अंदर, देखते हैं. लेट्स सी इफ आई कैन गेट द पीक ऑफ इट. आई ट्राई टू गेट कि ये जो हिल है कहाँ तक जाती है, मैं इसको देखने की ट्राई करूँगा. ओके, इट्स लाइक फॉर मी हाइकिंग, यू नो, डेफिनेटली फॉर मी इट्स लाइक हाइकिंग. अरे देखो यार, लोगों के घर कितने प्यारे हैं यार. देखो, ऐसा होता है ना, फिल्मों में होता है ऐसा, बट दिस इज आई हैव सीन रियल टुडे. दैट्स अमेजिंग. ये देखो, घर को जाने के लिए स्टेयर्स, ऐसी स्टेयर्स हैं, बट घर देखना कैसा होगा. लेट मी शो यू सरप्राइजिंगली. लुक, सी हाउ प्राउड दे फील, मीन्स के अपने घर के सामने अपनी कंट्री का फ्लैग लगा के रखा हुआ है. दैट्स सुपर अमेजिंग बिकॉज दे नो व्हाट कंट्री डिड फॉर अस. सुपर. यही वो रिवर है जिसकी मैं बात कर रहा था. इस साइड, इस डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और एक ब्रिज बन रहा है यहाँ पे. और अगर इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे इस साइड पे ऑलरेडी एक ब्रिज बना हुआ है जो वाइट कलर का यहाँ पे. और दिस, इन दिस डायरेक्शन द रिवर गोज ऑल द वे. एंड तो हम इस तरफ चल सकते हैं. और कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं नॉर्वे के बारे में. नॉर्वे में जो करेंसी है वो है नॉर्वियन क्रोन, ठीक है. एक क्रोन होता है इंडिया के 7 रुपए के इक्वल. और इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, ठीक है. अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले हैं, डेफिनेटली फॉर श्योर, क्योंकि एक्सपेंसिव है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप जॉब करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज बहुत हाई हैं. मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे पर आवर 20 यूरो मिलता है, या फिर हाँ 20 यूरो, यस, पर आवर. तो सैलरीज एज़ कम्पेयर टू जितनी भी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इतनी सैलरी कहीं पर भी नहीं है, ठीक है. स्विट्ज़रलैंड में भी इतनी सैलरी नहीं होगी जितनी सैलरी नॉर्वे में है, ठीक है. नॉर्वे इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, और चीज़ें भी उतनी ज़्यादा महंगी हैं. और अकोमोडेशन, खाना पीना, सारा कुछ बहुत महंगा है, ठीक है. तो बट स्टिल वी आर इंडियंस, वी नो हाउ टू सेव, यू नो, सो हम सेव कर ही लेते हैं. तो बने रहना इस व्लॉग में, और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्वे में और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, करने के लिए. और सैलरीज़ के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है. अगर मेरे को कोई इंडियन यहाँ पे मिले तो मैं उनसे पूछूंगा कि वो क्या करते हैं और कितनी सैलरी अर्न करते हैं, और बहुत सारी बातें करेंगे. सो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. और मैं करता हूँ इन्जॉय दिस ब्यूटिफुल वेदर, राइट. So thank you so much for watching my videos. Thank you. Bye.